Hi guys, what's up? So today is the wedding day finally. Kal was so hectic. Main pehle mehndi ke liye gayi and till the time I could come back and get ready for the Sufi night, itna zyada late ho gaya tha ki mere paas time hi nahi tha ki main video banau. So maine fatafat aayi, main kapde change kar raha hu, main nikal gayi. Today I'll try to record as much as I can. Guys, I'm so sorry but itna zyada hectic ho raha hai na yahan pe, matlab jaldi jaldi cheeze ho rahi hai to time nahi mil raha hai. Matlab ki even jab main subah ke function mein jaati hu to wahan pe कुछ 5, 6, 7 बज जाते हैं एंड देन वापस आके अगेन वी हैव टू गो फॉर अनदर फंक्शन जो कि 8 और 9 o'clock स्टार्ट हो जाता है. तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि रेडी हो और रिकॉर्ड भी करो, बट स्टिल आई एम गोना डू दैट. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू शो यू गाइज एज मच एज आई कैन एंड आई विल शो यू ऑल माई आउटफिट्स ऑल्सो. तो आज का प्लान ये है कि वील गो फॉर द हल्दी फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वील गो फॉर द वेडिंग. तो जो हल्दी है वो घर पे ही है, सो जल्दी से रेडी होके हमें घर ही जाना है एंड इट्स लाइक हार्डली 5 to 7 months अवे फ्रॉम दिस होटल. एंड आफ्टर दैट रात को इज द वेडिंग. सो आई एम गोना स्टार्ट गेटिंग रेडी अराउंड 9, 9:30. अभी 8 o'clock हो रहा है एंड आफ्टर दैट आई हैव टू रीच एट 10 एंड उसके बाद वेडिंग आई थिंक रात को 8 या 9 बजे स्टार्ट होगा. तो अकॉर्डिंगली हमें उसके लिए भी रेडी होना पड़ेगा. बट आज पक्का से गाइज आई एम गोना शो यू गाइज मच मोर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे. इट्स क्वाइट फन एंड ऑल बट एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट हेक्टिक ऑल्सो. वी नो इफ यू वॉन्ट मी टू मेक सच वीडियोज ऑल्सो जहाँ पे आई कैन शो यू गाइज दैट हाउ आई गेट माई पीसेज मेड फ्रॉम स्क्रैच. अभी मैं थोड़ा फ्रेशन अप होंगी एंड देन आई एम गोना स्टार्ट गेटिंग रेडी. एक और चीज़ जो मेरे साथ स्टे कर रही थी, शी हैड टू लीव बिकॉज उसका मुंबई में कुछ काम था, तो वो यहाँ से डायरेक्ट अब मुंबई जाएगी. सो आई हैव द होल रूम विद माई सेल्फ. दैट इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग. और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है. So I'm thinking that I should eat something before I leave for the haldi function. So yeah, I'm going downstairs. मेरे जो दूसरे रूम में फ्रेंड्स हैं वो भी आ रहे हैं. So we'll be going together to have some breakfast and after that I will start getting ready. इसके बाद मैं सीधा ब्रेकफास्ट करने चले गई थी. So I entered the hall जहाँ पे बूफे लगा हुआ था. खाने में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, सिर्फ फ्रूट्स थे, सैंडविचेस थे, देन ब्रेड्स थे और साउथ इंडियन फूड था. तो मैंने साउथ इंडियन खाना था बिकॉज वो थोड़ा लाइट होता है और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है. खाना खाते ही हम सीधा फटाफट से हल्दी के लिए चले गए थे क्योंकि हल्दी स्टार्ट होने ही वाली थी अराउंड 10-11. तो हम फटाफट वहाँ चले गए एंड अगेन द डेकोर वॉज रियली रियली नाइस. एवरीथिंग वॉज येलो इन कलर एंड इतना ज़्यादा ब्राइट लग रहा था. एंड द बेस्ट पार्ट वो जो वहाँ पे अम्ब्रेलाज लगी हुई थी, दैट वॉज रियली कूल. मेरे को बहुत ही अच्छा लगा वो कॉन्सेप्ट. उसके बाद हमने थोड़ा बहुत खाया पिया, बहुत कुछ था खाने के लिए, सो हमने गोलगप्पों से स्टार्ट किया था एंड देन आई वॉज चिलिंग विद माई फ्रेंड्स. गाइज तुम इस जगह की वाइब देखो, इट वॉज सो सूदिंग एंड द कलर पैलेट वॉज जस्ट सो परफेक्ट. देन आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स ऑफ एवरी कॉर्नर दैट आई कुड पॉसिबली टेक. गाइज मेरी ना एक आदत है कि मैं जब भी किसी जगह जाती हूँ ना, मैं उस जगह का माहौल, उसके एस्थेटिक जरूर देखती हूँ क्योंकि मुझे उसी से वाइब आती है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि नहीं. एनीवेज फिर हल्दी लगनी स्टार्ट हो गई थी एंड माहौल भी थोड़ा इमोशनल हो गया था. बट मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि उसके जितने भी कजन्स और ब्रदर सिस्टर थे वो उसको काफ़ी ज़्यादा चेयर अप करने की कोशिश कर रहे थे एंड आई रियली लाइक इट. और इन सब के बीच में मेरे दोस्त का फैशन ऑन पॉइंट था. व्हेन एवरीथिंग वॉज अबाउट टू गेट ओवर तो मैंने भी थोड़ी पिक्चर्स खिंचवा ली. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसी लगी मेरी आउटफिट. हमेशा की तरह हम लेट थे और हम लिटरली भाग रहे थे होटल की तरफ ताकि हम जल्दी से जल्दी रेडी और निकले. रेडी होके हम फटाफट वेन्यू की तरफ निकले जो काफी ज्यादा दूर था. तो हम अराउंड पहुंचे थे 10, 10:30. गाइज इस पूरी वेडिंग का बेस्ट पार्ट ये था कि डेकोरेशन वॉज ऑन पॉइंट.
फिर हम अंदर गए और थोड़ी देर चिल करने लग गए. वी वर टेकिंग ड्रिंक्स एंड वी वर ईटिंग, हैविंग फन विद ईच अदर, एंड वी वर वेटिंग फॉर द ब्राइड एंट्री. फिर फाइनली आफ्टर 10 मिनट्स उसकी एंट्री हुई. शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी एंड हर लहंगा वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. इट वॉज ब्लड रेड इन कलर एंड इट वॉज आउटस्टैंडिंग. फाइनली आफ्टर हर एंट्री सारे रिचुअल्स स्टार्ट हुए, वरमाला एंड ऑल ऑफ दैट. And we were standing right there waiting for it to get over because we were extremely hungry. Actually, हम पहले से भी खा रहे थे but इतना ज़्यादा late हो गया था that it was almost dinner time. It was around 12:30 तो हमने सोचा चलो चलते हैं और कुछ और खा लेते हैं. शादी वाले दिन वैसे बिना कुछ करने को as such होता नहीं है. So I was only there to eat lots and lots of food and drink lots of wine. I am kidding guys, I was only drinking different kinds of juices, that's it. After that we clicked some really cool pictures and that's it guys, we were done for the night. Let me know what you think about this video and I am coming up with the last episode of this series, that is Jalandhar Haul. So please stay tuned for that. Okay, bye.